की बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। रोहतास के सासाराम से आपको बता दूं कि यहां पर एक युवक को गोली लगी है। बता दूं, युवक के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मेघपुरा के रंजीत कुमार थाना चौसा नोवाल गांव के निवासी है, जो पिता का नाम अशोक प्रसाद बताया जा रहा है। बीती रात इसको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिसको अभी संध्यानंद हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन ही बरेला निवासी सलोक कुमार को रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया था मारकर इसी तरह से, और रेवा के निवासी चंद्रिका राय का बेटा 15 वर्षीय एटा को रेलवे लाइन पर मारकर फेंक दिया गया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार में बर्दात बढ़ते जा रहा है और प्रशासन हाथ को हाथ रखकर बैठी हुई है। लड़का का बयान सुनते हैं कि लड़का क्या कह रहा है, उसको क्यों मारा गया है। पैसे के चलते लड़ाई झगड़ा हुआ था, बस इसी कारण वो ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगा तो हम भी बोल गए। वो सीनियर थे, बस मारने पीटने लगे। और समर्पण राव ने रूम में बंद करके रखा था बैंक कॉलोनी में, फिर वो निर्भय सिंह के आने का इंतजार किया 7 बजे तक। ROW ऑफिसर है ECI कंपनी में, और समर्पण राव मैनेजर है उसी ECI कंपनी में। जी, तो ये लोग लेबर डील करते हैं, लेबर से काम करवाना, पैसा उसा देना लेना, फिर इन लोगों का काम है। तो पैसा जब मांगने के लिए हम बोले कि मेरे पास ऑल डॉक्यूमेंट्स है, तो इन लोगों के ऊपर मैंने FIR कर दिया था हाईकोर्ट से। बस ये जानकारी शायद इनको हो गया, बस निर्भय सिंह रूम में बंद किया था ये समर्पण राव। बस निर्भय सिंह शाम में आया, मिनिमम 7:30 बजे, बस मारने पीटने लगा रूम में। अकेले थे वो, 3-4 आदमी था, मारने पीटने लगा। वही हम भी हाथ उठा दिए, अकेले थे फिर भी हाथ उठा दिए। बस ये लोग बोलेरो में बैठाया, बोलेरो है ये रेड कलर का। निर्भय सिंह ने मारा, ये उधर बेदा मोड़ के पास लेके गया। अच्छा जी, वहाँ पे मारने पीटने लगा कि तुम पैसा के लिए केस उस कर दिया, भरोसा नहीं था, बहुत सारा बात बोलने होने लगा। बस और बातों करता थप्पड़ भी चला, पता नहीं है मुझे गोली लगने बाद, गोली लगा रहा तो हम नीचे गिर गए थे गड्ढे में। अच्छा। गड्ढे में गिरे तो